नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों पहली बार अगर जो आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। एक सिक्वेंस में सारे टॉपिक पड़े हुए हैं। पहले आपको सिंधु सभ्यता के बारे में मिल जाएगा, ए टू जेड सारे फैक्ट मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको वैदिक काल के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, सारे अवेलेबल मिलेंगे। इसी क्रम में जैन धर्म और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों। दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और फैक्ट भी मिलेगा। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बताया जाएगा जो एग्जामिनेशन से बियॉन्ड है, ठीक है। एग्जामिनेशन की ओरिएंटेड सारी चीजें रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें, तो बौद्ध धर्म आपको भी पता है, सबको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है। हम लोग देखिए दोस्तों, बेसिक से लेके अपर लेवल तक जितनी सारी चीजें होती हैं, सारी चीजों को मैं लूंगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंटों को लग रहा होगा कि सर संस्थापक तो मुझे पता है, जन्म कब हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। दोस्तों सब कुछ बताऊंगा और बेसिक से लेके अपर लेवल तक सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम प्रवर्तक जो हुए दोस्तों, वो कौन हुए दोस्तों? गौतम बुद्ध। अब इसी क्रम में ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जन्म तो इनका हो गया 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पे इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए दोस्तों, वो हुए गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कब हुआ दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ पे हुआ दोस्तों? कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पे हुआ। तो देखिए दोस्तों इतनी चीजें हमने कवर की, ठीक है, इतनी चीजें हमने कवर की। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना होगा कि इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है। तो इनके जो पिता का नाम था दोस्तों, ठीक है, देखिए क्रम वाइज चलेंगे, ठीक है इनके पिता का जो नाम था दोस्तों वो था शुद्धोधन, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा कि जो उनके महावीर स्वामी के जो पिता थे वो यात्रिक कुल से संबंधित थे, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये पढ़ेंगे कि इनके जो पिता शुद्धोधन थे वो शुद्धोधन शाक्य कुल से संबंधित थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या हुआ दोस्तों? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और ये किस कुल से संबंधित थे दोस्तों, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हमें पूछ देता है कि इनके पिता किस कुल से संबंधित थे दोस्तों, इनके पिता जो संबंधित थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे, ठीक है। हम गौतम बुद्ध के बारे में उनका नाम जान लिए, उनका जन्म स्थान पता चल गया, उनके पिता के बारे में जान लिए, अब बारी है उनके माता के बारे में पता करने की, ठीक है।
अब उनकी माता आती है, ठीक है। तो जो इनकी माता है दोस्तों, गौतम बुद्ध की दो माताओं का उल्लेख है, ठीक है। एक माता है माया देवी और दूसरी माता है इनकी गौतमी प्रजापति। तो ऐसा होता है दोस्तों कि जन्म के कुछ दिनों बाद ही, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही माया देवी की मौत हो जाती है, यानी उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन जो करती है वो गौतमी प्रजापति करती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग माता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो माता हुई दोस्तों वो हुई माया देवी, माया देवी, ठीक है। माया देवी ने इनको जन्म दिया, ठीक है। माया देवी ने इनको क्या किया, जन्म दिया। लेकिन जो लालन पालन किया, जो पालन पोषण किया दोस्तों, वो कौन किया, वो किया प्रजापति, प्रजापति गौतमी, ठीक है। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों, इनके बचपन का नाम क्या था, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का क्या नाम था, उनके बचपन का जो नाम था दोस्तों वो था सिद्धार्थ। बचपन का नाम, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम हुआ दोस्तों वो हुआ सिद्धार्थ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या हुआ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो हुआ सिद्धार्थ। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए वो गौतम बुद्ध हुए, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इनके इनके पिता के बारे में पढ़ा। इनके पिता के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, ठीक है। और सुद्धोधन जो थे दोस्तों वो साक्षी कुल से संबंधित थे, ठीक है। सुद्धोधन किस कुल से संबंधित थे, साक्षी कुल से संबंधित थे। उसके बाद हम लोगों ने इनके माता के बारे में पढ़ा, माता के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इनकी जो वास्तविक माता थी वो थी माया देवी, ठीक है। वो वास्तविक जो मतलब जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका नाम था माया देवी, ठीक है। लेकिन जो पालन पोषण किया उनकी सौतेली माँ हुई गौतमी प्रजापति, ठीक है। तो उनकी सौतेली माँ जो हुई वो गौतमी प्रजापति हुई और गौतमी प्रजापति ने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया, क्योंकि माया देवी जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर अब देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। पूछ लेता है दोस्तों एग्जामिनेशन में एक नंबर में कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, क्योंकि ये बचपन में ही गौतम बुद्ध नहीं कहला है, बचपन में ये सिद्धार्थ कहला है, ठीक है। बचपन में ये क्या कहला है, सिद्धार्थ कहला है। तो इनके बचपन का जो नाम हुआ दोस्तों वो हुआ सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के विवाह के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह जब हुआ दोस्तों कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक सी चीजें हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बेसिक सी है लेकिन एग्जामिनेशन हाल में जब पूछ देता है दोस्तों तो आप लोगों को दिक्कत होने लगेगी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब एक अच्छा फैक्ट ये आता है कि 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई, ठीक है। गौतम 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किया गया, और किसके साथ विवाह किया गया, वो विवाह किया गया दोस्तों यशोधरा के साथ, ठीक है। और यशोधरा से जब विवाह हो गया दोस्तों तो यशोधरा से एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम था राहुल, ठीक है। तो चलिए हम लोग बताते हैं आपको, जो इनका विवाह हुआ दोस्तों,
जो विवाह हुआ, ठीक है, किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ दोस्तों? 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। और जो यशोधरा से उत्पन्न लड़का हुआ दोस्तों, उसका नाम था राहुल, ठीक है, राहुल, ठीक है। तो जो बेटे का नाम हुआ दोस्तों, वो होगा राहुल, ठीक है। तो पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? वो था दोस्तों, माता का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। दोस्तों अगर तो आप लोग ग्रुप डी या ग्रुप सी लेवल का परीक्षाएं दे रहे हैं, सी या डी की दे रहे हैं, तो आपको जरूर मिल जाएगा इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। ये सारे जो अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने बताया दोस्तों, वो सी और डी ग्रेड में मिल जाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों बेसिक से लेके अपर लेवल तक सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जब एक बार ऐसा होता है कि सिद्धार्थ जो थे वो सैर पे लिख ले, कपिल वस्तु के सैर पे लिख ले। सिद्धार्थ जो थे वो दोस्तों कपिल वस्तु के सैर पे लिख ले, और जब उन्होंने सैर पे लिखला तो कुछ चीजों को देखा, ठीक है। कपिल वस्तु की सैर पर जब ये लिख ले, ठीक है, तो इन्होंने क्रमशः चार चीजों को देखा, ठीक है, क्रमशः इन्होंने चार चीजों को देखा। और इन्हीं चार चीजों को देखने के बाद इनका एक तरीके से हृदय परिवर्तन कर सकते हैं या जिंदगी के बारे में जानने की कुछ इच्छा हो, ठीक है। तो वो क्या थी दोस्तों, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, ठीक है, जो क्या था, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बूढ़ा था, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। उन्होंने पहले क्या देखा, उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक सौ देखा। उन्होंने उसके बाद क्या देखा, एक सौ देखा। और सौ के बाद लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, एक सन्यासी को देखा। देखिए क्या हुआ कि कपिल वस्तु के सैर पे जब सिद्धार्थ निकले तो उन्होंने किन चार दृश्यों को देखा। सबसे पहले उन्होंने पहला जो दृश्य देखा उसमें एक वृद्ध इंसान को देखा, ठीक है। वृद्ध इंसान को देखने के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर बीमार व्यक्ति को जब उन्होंने देख लिया, उसके बाद उन्होंने एक सौ को देखा, और सौ के बाद उन्होंने सन्यासी को देखा। तो ये जो घटनाक्रम हुआ दोस्तों, इसके बाद ये सब सत्य की खोज करने के लिए जिज्ञासु हो गए कि आखिरकार क्यों इस प्रकार के लोग विद्यमान है सोसाइटी में, और क्या हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो उनके दिमाग में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। और कुछ ही दिनों बाद गौतम बुद्ध संसारिक कष्टों से व्यथित होकर संन्यास ग्रहण कर लिए, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों संसारिक कष्टों से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने संन्यास ग्रहण कर लिया। और जो संन्यास ग्रहण कर लिया, इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, महाविनिष्क्रमणीय, ठीक है, महाविनिष्क्रमणीय कहते हैं जो संन्यास ग्रहण करने की घटना थी, ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों, महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों। ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि महाविनिष्क्रमण से क्या आशय है गौतम बुद्ध की जिंदगी में। तो ये आशय है घर त्याग, ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, घर त्याग। और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग कर दिया, ठीक है। अब देखिए घर त्याग करने के बाद, ठीक है, जब घर त्याग किए तो उसी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। और जो घर त्याग कर दिए दोस्तों, आप जब घर त्याग कर देंगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गुरु की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इनके दो गुरु हुए, एक हुए अलार कलाम
ठीक है, जिन्होंने इनको इनको शुरुआती शिक्षा दी, ठीक है। इनके गुरु हुए, दो गुरु हुए दोस्तों, पहले गुरु हुए अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम पहले गुरु हुए, और जो दूसरे गुरु हुए दोस्तों, ठीक है, रुद्रक रुद्रक राम पुत्र हुए दोस्तों, रुद्रक राम पुत्र, ठीक है, रुद्रक राम पुत्र, ये इनके दूसरे गुरु हुए और इन्हीं को वास्तविक गुरु के नाम से जाना जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के जो गुरु हुए, ठीक है, वो पाले गुरु कौन हुए, तो वो हुए दोस्तों अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम जो हुए पाले गुरु हुए। तो देखिए दोस्तों चलते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अब तक हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म में हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़े कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ दोस्तों वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो गौतम बुद्ध के पिता हुए, वो पिता उनका नाम क्या था, उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो किस कुल से संबंधित थे, वो शाक्य कुल से संबंधित थे। उसके बाद उनके माता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनकी जो जन्म दिया था गौतम बुद्ध को जो जिन्होंने जन्म दिया था उनका नाम माया देवी था, लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के पश्चात प्रजापति गौतमी जो इनकी सौतेली माँ हुई, इनका पालन पोषण किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि गौतम बुद्ध का जो जन्म का नाम था, क्योंकि ये शुरू में ही तो गौतम बुद्ध नहीं कहलाए, तो इनके जो जन्म का नाम था वो सिद्धार्थ था। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ वो यशोधरा के साथ हुआ। उसके बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल हुआ, और ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ये सारी चीज ये घटनाक्रम घट गई, फिर उन्होंने कपिल वस्तु के शहर पे एक दिन वो निकले, तो उन्होंने क्रमशः 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य उन्होंने देखा एक बुढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक शव को देखा, फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद ही दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सांसारिक व्यथाओं से परेशान होके उन्होंने घर त्याग कर दिया, और घर त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया, और उसी घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर उनके बाद जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके दो गुरु हुए, एक अलार कलाम हुए जो शुरुआती शिक्षा दिए, और रुद्रक रामपुत्र जो हुए दूसरे गुरु हुए। इतना नोट डाउन करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा आपका एक लाइक और एक कमेंट हमको मोटिवेशन देता है, और अगर जो मैं मोटिवेट होऊंगा दोस्तों तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम लोगों को जो देखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इनके बारे में ये पॉइंट है दोस्तों कि 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने कठिन तपस्या की दोस्तों, ठीक है, और वैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना, ठीक है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बना लीजिए ऐसे, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में, और कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान की जो प्राप्ति इनको हुई दोस्तों वो वैशाख की पूर्णिमा थी और निरंजना नदी था, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, इसे फाल्गु नदी भी बोलते हैं, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों,
और ये भी पूछ लेता है कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई दोस्तों वो हुई पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई दोस्तों वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई, ठीक है, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए हम लोगों ने क्या अभी तक पढ़ा कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, मतलब 6 वर्ष जो था दोस्तों बिना अन्न जल ग्रहण किए हुई वो जिंदा रह गए, और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उन्हें कहा किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लॉट की तरफ, ठीक है। और यहीं से ये बुद्ध कहलाने लगे, ठीक है। अब यहीं से ये क्या कहलाने लगे, बुद्ध कहलाए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए दोस्तों, बुद्ध, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, ठीक है। यहीं से ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और यहीं से इम्पोर्टेंट शुरू, यहीं से सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, यहीं से ये बुद्ध कहलाए। अब हम आगे मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, प्रथम उपदेश दिया था जो, वो दिया था कहा, सारनाथ में। देखिए पूछ देता है कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों वो सारनाथ में दिया था, और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था, और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और इसी को क्या जाना गया दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में हुई, निरंजना नदी पे या फाल्गु नदी पे हुआ है, वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों। उसके बाद ये बुद्ध कहलाने लगे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, और सारनाथ में उपदेश देने के बाद इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो उपदेश की भाषा क्या थी, ठीक है। तो जो उपदेश की भाषा थी दोस्तों, उपदेश की जो भाषा थी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भाषा जो थी वो दोस्तों पाली थी, ठीक है, भाषा जो थी वो क्या थी, वो पाली थी। अब बताइए यहाँ पे अगर जो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर जो आप लोग जैन धर्म पढ़े होते दोस्तों, तो हम आपसे पूछ देते कि ये बताइए कि जैन धर्म में जो जैन महावीर जैन ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए, तो वो दिए थे दोस्तों प्राकृत अर्धमागधी में, ठीक है। प्राकृत अर्धमागधी में जैन धर्म के उपदेश महावीर जैन ने दिए थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिया, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश को दिया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब पूछ देता है कि सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे वो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो वो दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। वो कहाँ दिए थे दोस्तों, श्रावस्ती में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। देखिए यहाँ पे दो चीजें अब आपको कंफर्म कर लेनी है कि गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। चलिए मूव करते हैं आगे दोस्तों।
अब इनके जो अनुयायी शासक थे वो कौन कौन से थे, ठीक है? इनके जो अनुयायी शासक थे दोस्तों वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयी, ठीक है? इनके जो अनुयायी शासक थे, अनुयायी शासक, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अनुयायी, ठीक है, अनुयायी शासक जो थे वो कौन थे? वो थे बिंबिसार था, ठीक है, उसके बाद प्रसेनजीत थे, ठीक है, और उदयी था, उदयी और अगले जो थे दोस्तों वो कौन थे? प्रसेनजीत, ठीक है। अगला जो एक और शासक हुए वो हुए प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो अनुयायी शासक हुए वो बिंबिसार हुआ, उदयी हुए और प्रसेनजीत हुए, ठीक है। तो तीन शासक जो हुए वो बौद्ध धर्म को अपनाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो हुई 483 ईसा पूर्व में उसी नारा जिले में, ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई 80 वर्ष की अवस्था में कुशी नारा, ठीक है। कुछ लोग इसको कुशी नगर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट किताब दिया है और जो आयोग मानता है उसमें कुशी नारा ही इनका वर्णन है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कुशी नारा ही दिया है दोस्तों, कुशी नारा, ठीक है, कुशी नारा, ठीक है, इनकी। और इसी घटना को महापरिनिर्माण कहा गया, इसी घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्माण। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव कर देते हैं दोस्तों। देखिए, अब जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो इनके स्तूप बनाए गए, ठीक है, स्तूप बने दोस्तों। तो इनके कितने स्तूप हुए दोस्तों? स्तूप जो हुए वो 8 स्तूप हुए, ठीक है, 8 स्तूप हुए दोस्तों, ठीक है। क्या होता है कि गौतम बुद्ध के जो शरीर के अवशेष होते हैं ना दोस्तों, गौतम बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे उन्हीं शरीर के अवशेषों को इससे स्तूप का निर्माण किया गया, अर्थात स्तूप का निर्माण करके इनके शरीर के अवशेषों को रखा गया। और कितनी जगह रखा गया दोस्तों? वो 8 जगह पे रखा गया, ठीक है। चलिए हम आगे मूव कर लेते हैं दोस्तों। पूछ देता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध जो ज्ञान होता है त्रिपिटक से ही मिलता है, ठीक है। अगर जो पूछ ले कि बौद्ध धर्म की जो आइडियोलॉजी है, चाहे बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है दोस्तों, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है दोस्तों त्रिपिटक से। वो कहाँ से मिलता है? त्रिपिटक से, ठीक है। त्रिपिटक से क्या मिलता है दोस्तों? बौद्ध ज्ञान, ठीक है, त्रिपिटक से बौद्ध ज्ञान मिलता है। और जो त्रिपिटक की भाषा थी दोस्तों वो क्या थी दोस्तों? और जो त्रिपिटक की भाषा है दोस्तों वो है पाली, ठीक है। त्रिपिटक की जो भाषा है वो क्या है? वो पाली, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिए दोस्तों। चलिए देखिए, गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने दोस्तों निर्वाण, ठीक है, पूछ लेता है कि निर्वाण का आशय क्या है दोस्तों, ठीक है, निर्वाण, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि मनुष्य की जो भौतिक, मतलब जो मनुष्य के जो कुछ पाने और खोने की जो लालसा होती है,
अगर जो उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, यानी वो न कुछ चाहे न कुछ, लेकिन मतलब वो ना कुछ ये चाहे कि क्या बोलते हैं कि उसको न खोने का डर हो न पाने का डर हो, तो इस अवस्था को क्या कहते थे दोस्तों, इसी अवस्था को कहते थे निर्माण, ठीक है, तृष्णा का छेड़ होना, ठीक है, तृष्णा छेड़, ठीक है, तृष्णा का छेड़ होना ही निर्माण गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है। चलिए आगे आगे जो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाले हैं ये है दोस्तों कि विश्व दुखों से भरा है, विश्व गौतम बुद्ध ने क्या कहा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा कि जो विश्व है वो दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, विश्व जो है वो दुखों से भरा है, और वो कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से क्या लिया गया है कि विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है, विश्व दुखों से भरा है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है पूछ लेता है उपनिषद, ठीक है, विश्व दुखों से भरा है, ये गौतम बुद्ध ने तो कहा था, लेकिन ये सेंटेंस कहां से लिया गया है, वो लिया गया है दोस्तों उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, कि बुद्ध के अनुयायी जो थे, ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन किए फिर हमारे बढ़े, ठीक। अब देखिए अब यहां से हम लोग ये करने वाले हैं दोस्तों कि जो बुद्ध हुए उनके अनुयायी हुए, ठीक है, और जो उनके अनुयायी हुए वो कितने भागों में विभाजित हुए, ठीक है, तो जो बुद्ध के अनुयायी हुए दोस्तों मुख्यतः वो दो भागों में विभाजित हुए, ठीक है, और उस उन्हीं को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आगे के पॉइंट में, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, अक्सर एग्जामिनेशन आदमी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हुए दोस्तों उपासक, ठीक है, एक हुए उपासक और एक हुए भिक्षु, ठीक है, तो बुद्ध के जो मानने वाले थे, देखिए जो बुद्ध के अनुयायी थे दोस्तों, एक हुए भिक्षुक, ठीक है, एक हुए अनुयायी, ठीक है, हुए, ठीक है, भिक्षुक, ठीक है, दो प्रकार के अनुयायी हुए, एक हुए भिक्षुक और जो दूसरे हुए दोस्तों वो हुए उपासक, ठीक है, एक भिक्षुक हुए और एक उपासक हुए। देखिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा अनुयायी, ठीक है, अनुयायी, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी को दो भागों में विभाजित किया गया, दो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक हुए भिक्षुक और एक हुए उपासक, ठीक है। तो भिक्षुक जो हुए दोस्तों वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उनको भिक्षुक कहा गया, और जो उपासक हुए दोस्तों उनको क्या कहा गया, वो गृहस्थ जीवन में ही रह के बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है, गृहस्थ, वो गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्होंने संन्यास को ग्रहण नहीं किया, ठीक है, उन्होंने संन्यास को ग्रहण नहीं किया, लेकिन लेकिन फिर भी वो गृहस्थ जीवन में ही बौद्ध धर्म के आइडियोलॉजी को मानते थे। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हुए दोस्तों वो दो हुए, एक हुआ भिक्षुक, एक वर्ग था भिक्षुक, भिक्षुक पर क्या करता था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करता था, और जो दूसरा जो ग्रुप था दोस्तों वो उपासक था, वो गृहस्थ जीवन में ही रह के बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है, उप संपदा पूछ देता है कि उप संपदा का क्या आशय है, उप संपदा, बौद्ध धर्म में उप संपदा का आशय क्या है दोस्तों पूछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
ये पूछ देता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में उप संपदा का आशय क्या है। ठीक है, उप संपदा का आशय क्या है दोस्तों, तो वो है बौद्ध धर्म में प्रविष्टि। ठीक है, या बौद्ध धर्म में जो मतलब मेंबर बना जाता था, यानी बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट होते थे लोग, तो उनको क्या बोलते थे, उप संपदा बोलते थे। चलिए आगे हम मूव करते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म में एंट्री करने के लिए, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कितने वर्ष की जरूरत थी। न्यूनतम 15 वर्ष के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक आप बौद्ध धर्म नहीं अपना सकते। तो उप संपदा मतलब प्रविष्टि, ठीक है, प्रविष्टि, और ये इसकी आयु कितनी थी दोस्तों, 15 वर्ष। ठीक है, शामिल होने की आयु 15 वर्ष थी न्यूनतम। ठीक है, अब चलिए हम आगे मूव करते हैं दोस्तों। अब त्रिरत्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है। ठीक है, त्रिरत्न किसे कहा गया है दोस्तों, बुद्ध धम्म और संघ को ही त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध धम्म और संघ को क्या कहा गया है दोस्तों, त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। त्रिरत्न जो थे दोस्तों, पूछ देता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का आशय क्या है दोस्तों, तो वो है बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, अगला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चतुर्थ बौद्ध संहिति हुई, देखिए दोस्तों, जो चतुर्थ बौद्ध संहिति हुई, अभी हम सेपरेटली बौद्ध संहिति के बारे में बताएंगे, जो चतुर्थ बौद्ध संहिति हुई, ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संहिति हुई, उसी के समय हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया। ठीक है, हीनयान और महायान में दो भागों में बंटवारा हो गया। हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संहिति के बाद बंटवारा हो गया। ठीक है, जब चतुर्थ बौद्ध संहिति आ गया दोस्तों, तो उसी टाइम हीनयान और महायान ये दो शाखाएं विभाजित हो गई बौद्ध धर्म की। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो जो ये महा ये जो दोस्तों ये जो महायान था, ठीक है, जो महायान संप्रदाय था, ठीक है, ये बोधिसत्व में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये किस में विश्वास रखते थे, ये बोधिसत्व में विश्वास रखते थे, बोधिसत्व में विश्वास रखते थे। और ये लोग हीनयान, ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं रखते थे दोस्तों, ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और जैसे कि जो बोधिसत्व, ये जो महायान था दोस्तों, ये बोधिसत्व में विश्वास करते थे, और ये लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए अपने जिंदगी को व्यतीत करते थे, लेकिन हीनयान में ऐसा नहीं था। ठीक है, चलिए हम आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, पूछ देता है कि धार्मिक जुलूस, ठीक है, धार्मिक जुलूस किस धर्म के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो वो बौद्ध धर्म के द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक जुलूस, ठीक है, धार्मिक जुलूस जो शुरू किया गया दोस्तों, वो कौन शुरू किया दोस्तों, बौद्धों ने शुरू किया धार्मिक जुलूस को, किसने शुरू किया, बौद्ध धर्म ने, ठीक है, बौद्ध धर्म में धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इनका जो पवित्र त्योहार हुआ दोस्तों, पवित्र त्योहार
वो कौन सा हुआ दोस्तों? ठीक है, बौद्ध धर्म का पवित्र जो त्योहार हुआ वो कौन सा त्योहार हुआ दोस्तों? तो वो हुआ बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा। पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन है दोस्तों? तो वो है बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं दोस्तों, और प्लीज आप लोग रिवीजन करते चलिए। ठीक है, रिवीजन करते चलिए दोस्तों। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि निर्माण, ठीक है, सॉरी निर्वाण बौद्ध धर्म का परम सत्य परम लक्ष्य है। ठीक है, क्या है दोस्तों? निर्वाण। निर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य हुआ दोस्तों उसको निर्वाण बोलते हैं, और जो निर्वाण था उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ठीक है, देखिए अभी हम बौद्ध संगीतियों के बारे में अलग से क्या इसी वीडियो में एकदम लास्ट में बौद्ध संगीतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग परेशान ना होइएगा कि सर आपको बौद्ध संगीति बता नहीं रहे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, अब देखिए दीपक का बुझ जाना, इसको एक टर्म में और कह सकते हैं कि अर्थात जीवन मरण से छुटकारा मिल जाना। ठीक है, जीवन मरण से छुटकारा मिल जाना, यानी न मृत्यु होना न जन्म लेना, इसी का जो अर्थ है इसको निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, निर्वाण। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 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 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर नहीं है। ठीक है, अनिश्वरवाद पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समान मत है। ठीक है, पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, अनिश्वरवाद, ठीक है, वो ये पूछ देता है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में क्या असमान क्या समानता है। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही ईश्वर की सत्ता को नकार दिया था, और उन्होंने ये कह दिया था कि नहीं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं होती है। इन्होंने पूर्व जन्म पे विश्वास किया, लेकिन इन्होंने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। तो ये क्या हुआ दोस्तों? जैन प्लस बौद्ध। ठीक है, जैन प्लस बौद्ध, ये क्या हुआ? दोनों में समानता मिली अनिश्वरवाद को लेकर। ठीक है, आगे मूव कर सकते हैं दोस्तों। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, जातक कथाएं ये बताती हैं, देखिए जातक कथाएं ये बताती हैं कि जो बोधिसत्व का अवतार है दोस्तों वो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। जो जातक कथाएं हैं वो ये बताती हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है, चाहे बोधिसत्व का जो जन्म है, वो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव कर जाते हैं नेक्स्ट मूव कर जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो हुआ दोस्तों वो गंधार शैली में हुआ। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो हुआ दोस्तों वो गंधार शैली से हुआ। ठीक है, बुद्ध मूर्ति जो बनी सर्वाधिक, बुद्ध मूर्ति, ठीक है, बुद्ध मूर्ति जो बनी सर्वाधिक वो किस शैली में बनी दोस्तों? वो बनी गंधार शैली में। ठीक है, गंधार शैली में बनी बुद्ध मूर्तियां। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए बुद्ध मूर्ति जो बनी दोस्तों वो गंधार शैली की बनी, लेकिन अगर जो प्रथम मूर्ति की बात की जाए, प्रथम मूर्ति की जो बात की जाए तो वो किस शैली की थी? वो थी दोस्तों मथुरा शैली की।
वो थी मथुरा शैली की, इम्पोर्टेंट, इतना आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए चलिए हम एक बार क्विक रिविजन करते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में क्या हुआ दोस्तों कि सबसे पहले हमने बात की यानी अनुयायी की, तो अनुयायी जो थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहले भिक्षुक थे, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, और दूसरे उपासक हुए जो गृहस्थ जीवन में ही रह के बौद्ध धर्म की सत्ता को मान लिए, ठीक है। उसके बाद उप संपदा जो हुआ वो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की, प्रविष्ट जो होता था उसको क्या बोलते थे, उप संपदा, ठीक है। और सबसे न्यूनतम आयु क्या थी दोस्तों प्रविष्ट होने की, वो थी 15 वर्ष। त्रिरत्न, त्रिरत्न पूछ देता है कि त्रिरत्न से क्या संबंध है, तो त्रिरत्न जो है दोस्तों बौद्ध धर्म और संघ तीनों को मिला के त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, अब चतुर्थ बौद्ध संगीति, अभी मैं बौद्ध संगीति के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई दोस्तों उसी के अंतर्गत हीनयान और महायान दो मतों में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। जो महायान हुआ दोस्तों वो बोधिसत्व में विश्वास करते थे और जो लोगों को अधिकतम कल्याण के लिए प्रेरित करते थे या वो लोगों का अधिकतम कल्याण करते थे। उसके बाद धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो किया वो बौद्ध धर्म ने किया, ठीक है। फिर पवित्र जो त्योहार हुआ वो बैसाखी पूर्णिमा हुआ बौद्ध धर्म का। फिर जो निर्वाण की निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, निर्वाण का जो आशय है वो क्या है, दीपक का बुझ जाना या भव तृष्णा का अंत हो जाना, यानी सुख दुख से परे हो जाना, यानी जिंदगी और मृत्यु से छुटकारा पा जाना, उसको क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया, ठीक है। अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद में जैन मत और बौद्ध धर्म दोनों में समानता थी, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समानता थी अनिश्वरवाद को लेके। वो मानते थे कि ईश्वर की सत्ता नहीं होती है। फिर जातक कथाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म या बोधिसत्व का जन्म मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। फिर से जो बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां मिली वो गंधार शैली में मिले, लेकिन जो प्रथम मूर्ति थी वो संभवतः मथुरा शैली की थी। हम लोगों ने इतना किया दोस्तों, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए।